हाय गाइस, मैं हूं आपका भाई करण कुमार। यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर आपको दो बैटरी दिख रही है। लिथियम आयन की बैटरी है 2000 mAh की, 3.7 वोल्ट की। और यहां पर आप लोग देखो, आपको एक चार्जिंग जैक दिख जाएगा, यहां पर आपको एक डायोड दिख जाएगा, इनका नंबर भी अभी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आपको 1K का रेजिस्टेंस दिख जाएगा, यहाँ पर आपको एक छोटी सी LED दिख जाएगी रेड कलर में होती, जो इंडिकेटर शो करती है। ठीक है गाइस, इनकी मदद से आज हम लोग सॉल्ट किलर बनाएंगे, वो भी पावरफुल सॉल्ट किलर रहेगा। क्योंकि गाइस आप लोग जानते हो, जैसे आप लोग मार्केट में सॉल्ट किलर खरीदने के लिए जाते हो या ऑनलाइन या अमेजोन पे खरीदते हो, तो गाइस आपको 1000 या 2000 के आसपास मिलता है। हम लोग 60-70 रुपये में इन बैटरी की मदद से और इतने कंपोनेंट की मदद से हम लोग सॉल्ट किलर बना सकते हैं और सॉल्ट किलर को चार्ज भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भाई ने कमेंट किया था, करण भाई सॉल्ट किलर को चार्ज कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और आपको इतना कहूंगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज आप लोग अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है गाइस, क्योंकि हम लोग इन बैटरी की मदद से सॉल्ट किलर बनाने वाले हैं। और यहां पर देखो, मैं दिखा देना चाहता हूं, देखो 2000 mAh की बैटरी है। और गाइस ये मुझे कितने की पड़ी है न्यू बैटरी, यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं, मुझे 40 रुपए की बैटरी पड़ी है। ठीक, एक बैटरी 40 रुपए की। यहां पर देखो, ये भी हमारी 2000 mAh की है, ये भी हमें बैटरी 40 रुपए की पड़ी। और यहां पर ये जो चार्जिंग जैक, ये हमें 5 रुपए का पड़ा। और यहां पर ये जो डायोड है, इसका नंबर मैं आपको बता देना चाहता हूं, IN4007, इसका नंबर है IN4007, ये मुझे 1 रुपए का पड़ा। और यहां पर जो ये रेड LED है, इंडिकेटर शो करते गाइस, ये भी मुझे 1 रुपए की पड़ी। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है 1K का, तो ये भी मुझे 1 रुपए का पड़ा। इतनी सामान की मदद से हम लोग सॉल्ट किलर को बना लेंगे और चार्ज भी कर लेंगे। जैसे आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन आता है, कीपैड फ़ोन आता है, उसमें फुल सॉल्टिंग है या हाफ सॉल्टिंग है, डेड है, गाइस आप लोग इन बैटरी की मदद से आप लोग उस फ़ोन को सही कर सकते हो बिना कंपोनेंट को चेक किए हुए। ठीक है गाइस, और यहां पर देखो, मैंने पहले से सॉल्ट किलर बना लिया, आप लोग देख सकते हो। ठीक है गाइस, आप लोग कनेक्शन कैसे करोगे, यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखो, माइनस माइनस आपको एक तरफ कर देना है, प्लस प्लस आपको एक तरफ कर देना है। यहां पर देखो, जो ये मेरी दो बैटरी है गाइस, यहां पर आपको उसी प्रकार कनेक्शन कर देना है। यहां पर देखो, प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ, एक वायर आपको यहां से निकाल लेना, एक वायर आपको यहां से निकाल लेना। यहां पर देखो, मैंने वही किया, देखो प्लस प्लस एक तरफ, ये प्लस वाला यहां से मैंने निकाल लिया, और यहां पर देखो ये माइनस माइनस एक तरफ, और यहां पर माइनस से मैंने निकाल लिया दो बार। ठीक है, और गाइस दो बैटरी यूज करने के लिए इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखो जो आपको सॉल्ट किलर रहेगा बहुत ही पावरफुल रहेगा। और यहां पर जो हम लोग सॉल्ट किलर बनाएंगे गाइस, इससे हम लोग डायरेक्ट फोन को ऑन भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार बना लेना। ठीक है, जैसे मैंने जो लिया पहले से, आपको भी जो लेना, ये न्यू बैटरी है, प्लस प्लस एक तरफ और यहां से एक वायर निकाल लेना, माइनस माइनस एक तरफ यहां से वायर निकाल लेना, आपको सॉल्ट किलर बनके रेडी हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसे चार्जिंग के लिए बनाते हैं। चार्जिंग के लिए कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूं। इन सेल को मैं बाहर रख देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा यहां पर मैं जूम कर लेता हूं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने जूम कर लिया। अब यहां पर देखो, ये चार्जिंग जैक है गाइस, देखो चार्जिंग जैक कुछ इस प्रकार है। ठीक, तो यहां पर आप लोग देखो, ये ऐसे करके आप लोग जब देखोगे ना, इसमें कौन सा प्लस होता है, ऐसे करके आप लोग देखना। ठीक, ऐसे करके देखना, यहां पर ये वाला प्लस वाला हिस्सा होता है, ये वाला हमारे चार्जिंग जैक का, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला हिस्सा। ठीक है, यहां पर देख लो, ऐसे करके आपको देखना, ऐसे करके रखना है चार्जिंग जैक को, और ऐसे करके आप लोग देखोगे ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो गाइस यहां पर देखो, ये जो आपको डायोड दिख रहा है, इसमें कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है, यहां पर देखो, जो सिल्वर कलर का पट्टा आपको दिख रहा है, ये हमारा माइनस का हिस्सा हो गया, और जो ये डायोड में ब्लैक कलर का हिस्सा, ये हमारा प्लस वाला हिस्सा हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है गाइस, और यहां पर इसका नंबर IN4007 है। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ये सिल्वर कलर का पट्टा है, ये हमारा माइनस वाला हिस्सा है, और जो ये ब्लैक कलर का पट्टा, ये हमारा प्लस वाला। अब आप लोग इसमें कनेक्शन कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। देखो गाइस, यहाँ पर देखो, इसका मैं पहले ये जो इतना बड़ा हिस्सा, इसे मैं कट कर लेता हूँ कटर की मदद से, क्योंकि इसे बहुत बड़ा है। ठीक है, डायोड, तो यहां पर हम लोग कटर की मदद से इसे कट कर लेंगे। देखो गाइस, यहाँ पर ये कटर की मदद से मैं इसे कट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपको करना क्या होगा, ये जो प्लस वाला हिस्सा है डायोड का, ब्लैक वाला हिस्सा, इसे आपको ऐसे करके कट कर देना, ऐसे करके। ठीक, ये देखो मैंने इतना कट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देखो, कट कर देने के बाद, अब यहाँ पर देखो, जो चार्जिंग जैक का प्लस वाला हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर आपको ये डायोड का प्लस वाला हिस्सा ऐसे करके जोड़ देना, मतलब ब्लैक वाला हिस्सा आपको चार्जिंग जैक के प्लस वाले हिस्से पर ऐसे करके जोड़ देना है। ठीक है गाइस, इससे होगा क्या गाइस, देखो जो हम लोग सर्किट बनाएंगे, आप लोग सॉल्ट किलर पूरी रात या 2 दिन या 3 दिन लगा के रख दोगे चार्जिंग में, आपकी बैटरी खराब नहीं होगी, फूलेगी नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सर्किट आप लोग जरूर बना लीजिए सॉल्ट किलर में, ठीक है, यूज करने के लिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर चलो हम लोग फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेस्ट लगा लेना, देखो ये मैं पेस्ट लगा रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सोल्डिंग करूँगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कैसे आप लोग इससे सोल्डिंग हटाओगे, कैसे इसे चार्ज करते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बनाना चाहिए गाइस, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं उसी प्रकार इसमें कनेक्शन करूँगा। यहाँ पर देखो, जो ये डायोड का प्लस वाला हिस्सा है, मतलब ब्लैक वाला हिस्सा, हम लोग चार्जिंग जैक के प्लस वाले हिस्से पे जोड़ देंगे ऐसे करके। देखो, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ मैं, कुछ भी वीडियो को कट नहीं करूँगा।
तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर देख लो आप लोग मैंने कनेक्शन कर दिया है। अभी अच्छी तरह से सोल्डिंग नहीं हुआ, यहाँ पर हम लोग और थोड़ा रंगा लगा लेंगे ऐसे करके, तब ये सोल्डिंग हो जाएगा अच्छी तरह से। अब गाइस ये सोल्डिंग अच्छी तरह से हो चुका है, यहाँ पर देखो आपको इस प्रकार कर देना है, जो ये डायोड का ब्लैक वाला हिस्सा है आपको चार्जिंग जैक के प्लस वाले हिस्से पे ऐसे करके कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा एक हिस्सा बच रहा है चार्जिंग जैक का, ये हमारा माइनस वाला हिस्सा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको LED उठाना है, देखो LED आपको उठाना है, और यहाँ पर देखो LED में आपको दो पॉइंट दिखाई देंगे, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, ठीक है। ये जो बड़ा वाला होता है ये हमारा प्लस का होता है, ये जो छोटा वाला है माइनस का। अब आपको करना क्या होगा, ये 1K का रेजिस्टेंस उठाना है, और जहाँ पर ये LED का बड़ा वाला हिस्सा मतलब प्लस वाला हिस्सा आपको ये 1K रेजिस्टेंस के एक हिस्से पे ऐसे करके आपको लपेट लेना, ठीक। ऐसे करके प्लस वाले हिस्से पे आपको 1K का रेजिस्टेंस ऐसे करके आपको लपेट लेना, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ देखो ऐसे करके आपको कर लेना है। अब यहाँ पर भी हम लोग इसका अदर वायर कट कर देंगे जो इतना बड़ा है, ऐसे करके इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको कट कर देना है, और यहाँ पर हो सके तो आप लोग सोल्डिंग कर लेना, ठीक है। सोल्डिंग कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, ऐसे करके पेस्ट लगा के हम लोग यहाँ पर भी सोल्डिंग कर लेंगे। तो आप लोग बने रहो इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो भले ही लंबी हो जाए मगर आप लोगों को मेरे चैनल में A to Z सीखने को मिलता है, स्टेप बाई स्टेप मैं बताता हूँ, कोई वीडियो को मैं कट नहीं करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो मैं सोल्डिंग कर देता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने सोल्डिंग कर दिया है, इस प्रकार आपको कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा एक बचेगा इसे आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जोड़ देना है, यहाँ पर चार्जिंग जैक के प्लस वाले हिस्से पे आपको ऐसे करके जोड़ देना है। इसका भी हम लोग अदर वायर ऐसे कट कर देंगे, ऐसे करके आपको कट कर देना है, और यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट लगा लेंगे। इसे होगा क्या, 1K का रेजिस्टेंस इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारी LED है गाइस जलेगी, फ्यूज नहीं होगी। या आप लोग रेजिस्टेंस नहीं यूज करोगे तो आपकी LED फ्यूज हो जाएगी, तुरंत फ्यूज हो जाएगी, इसलिए आपको रेजिस्टेंस ही यूज करना होगा 1K का। अब यहाँ पर देखो मैं ऐसे करके कनेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पर भी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ये LED का एक हिस्सा बचेगा माइनस वाला हिस्सा, आपको चार्जिंग जैक के माइनस वाले हिस्से पे जोड़ देना, ऐसे करके इस हिस्से पे आपको जोड़ देना। चलो यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ गाइस ऐसे करके, और यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट लगा देंगे। आपका सर्किट बन के रेडी होने वाला है गाइस। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो LED का माइनस वाला हिस्सा है हम लोग चार्जिंग जैक के माइनस वाले हिस्से पे जोड़ दिया, आपको इस प्रकार जोड़ लेना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, दो वायर लेना होगा, दो वायर, एक यहाँ पर आपको माइनस से एक यहाँ पर आपको प्लस से निकालना होगा। और यहाँ पर फिर आप लोग इसमें कनेक्शन कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं दो वायर ले लेता हूँ गाइस, और प्लीज़ गाइस जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है गाइस, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पर देखो ये दो वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस प्रकार का, एक यहाँ पर थोड़ा रेड है एक यहाँ पर ब्लैक है, आप लोग कोई भी वायर यूज़ कर सकते हो, मैं इतना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसके वायर छील लेते हैं गाइस ऐसे करके, गाइस यहाँ पर आप लोग देखो मैंने वायर को छील लिया है। अब यहाँ पर भी हम लोग पेस्ट लगा लेंगे, आप लोग कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हो, मैं तो ये वाला यूज कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देखो ये जो रेड वाला है गाइस, इसमें हम लोग ये प्लस के साथ बैटरी पे कनेक्शन करेंगे ऐसे करके, आप लोग कोई भी पॉइंट पे कर सकते हो, ठीक है। इस कोई भी पॉइंट पे आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसमें कर देता हूँ इस वाले पॉइंट पे ऐसे करके। यहाँ पर देखो मैंने प्लस पे कर दिया है गाइस, और अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे, वायर हमारा छूटे ना। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला है इसे हम लोग यहाँ पे ब्लैक के साथ कर देंगे, आप लोग इधर भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो कहीं पर भी। गाइस यहाँ पर आप लोग देखो मैंने कर दिया, ठीक है, ये हो चुका, ये हमारा ब्लैक वाला हिस्सा है, ये हमारा प्लस वाला हिस्सा है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो ये जो आपको सर्किट बना इसे आप लोग कनेक्शन कैसे करोगे, यहाँ पर देखो जो ये बैटरी का हमारा प्लस वाला हिस्सा है आपको यहाँ पर देखो ये जो डायोड का माइनस वाला हिस्सा आपको यहाँ पर जोड़ देना है, सिल्वर कलर की पट्टी पर आपको इस प्रकार जोड़ देना है। चलो मैं जोड़ लेता हूँ, प्लस वाला हिस्सा आपको जोड़ना है, ठीक है गाइस, प्लस वाला, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट लगा लेंगे ऐसे करके।
और यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ, ऐसे करके आपको यहाँ पे जोड़ देना है। प्लस वाला हिस्सा आपको डायोड के माइनस वाले हिस्से पे ऐसे करके जोड़ देना है। अब यहाँ पर जो बच रहा है ब्लैक वाला हिस्सा, इसे आपको यहाँ पर ये चार्जिंग जैक के माइनस वाले हिस्से पे आपको ऐसे करके जोड़ देना है। यहाँ पर भी मैं पेस्ट लगा लेता हूँ, ये मैंने पेस्ट लगा लिया है, यहाँ पर हम लोग इसे भी जोड़ देंगे ऐसे करके। तो ये वायर छोटा पड़ रहा है गाइस, इसे हम ऐसे करके जोड़ देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है, आप लोग यहाँ पर देख लो ठीक है। तो आपको इस प्रकार कनेक्शन कर देना है। अब यहाँ पर देखो ये जो दो वायर रहेंगे गाइस, ये हमारे सॉल्ट क्लियर का काम करेंगे, और जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है सर्किट गाइस, ये चार्जिंग का काम करेगी। इसे आप लोग कहीं पर ऐसा करके रख देना, और गाइस यहाँ पर आप लोग फेविकोल डाल देना, कुछ भी डाल देना टेप लगा के, आप लोग इसे अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो ठीक है। ये आपका सॉल्ट क्लियर बन के रेडी हो चुका है। और गाइस यहाँ पर ये जो मेरा सॉल्ट क्लियर है ज़्यादा चार्ज नहीं ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें ज़्यादा आग नहीं निकलेगी, देखो थोड़ा थोड़ा आग दिख रही, देखो गाइस। इसलिए मैंने दो बैटरी यूज़ किया 2000 mAh की, आपको इन्हीं बैटरी से सॉल्ट क्लियर बनाना है। अब यहाँ पर मैं सेट को ऑन करके आपको दिखाता हूँ आप लोगों के सामने इस बैटरी से ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो मेरे पास एक ये जियो फोन है, अब यहाँ पर थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ गाइस, फिर अभी मैं आपको चार्ज करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा हम लोग ग्राउंड से अटैच कर देंगे, और ये वाला जो हिस्सा हमारा प्लस से होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस पर लगा देंगे ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दी, अब यहाँ पर हम लोग पावर की को प्रेस करेंगे। आप लोगों के सामने मैं सेट को ऑन करके दिखाता हूँ इस सॉल्ट क्लियर से ठीक है गाइस। तो इसे हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर कर लेते हैं, पहले हम लोग ये प्लस वाला हिस्सा लगाएंगे। यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ ऐसे करके। देखो वीडियो भले ही लंबी हो जाए मगर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ हर वीडियो में गाइस, कोई स्टेप को मैं कट नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा यहाँ पर सॉल्ट क्लियर का प्लस वाला हिस्सा है, इसे हम लोग बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पे लगाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पर ही हम लोग ये माइनस से अटैच कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग सेट को ऑन करेंगे, पावर की को प्रेस करेंगे। देखो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है इस सॉल्ट क्लियर से ठीक है। आप लोग इस प्रकार इस सॉल्ट क्लियर से फ़ोन को ऑन भी कर सकते हो, ये फ़ायदा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जैसे आपके पास बैटरी उपलब्ध नहीं है तो आप लोग इस सॉल्ट क्लियर से फ़ोन को ऑन भी कर सकते हो। और सॉल्टिंग कैसे हटाते हैं मेरे चैनल में एक वीडियो पड़ी है, मैंने बनाया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी फ़ोन हो, अब यहाँ पर देखो एक ये फ़ोन है गाइस, इसे भी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, और फिर हम लोग इसे चार्ज करते हैं। यहाँ पर देखो ये बैटरी मैं निकाल लेता हूँ, मान लो इसकी बैटरी आपके पास नहीं है तो आप लोग इस सॉल्ट क्लियर की मदद से ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसे हम लोग ग्राउंड से अटैच कर देंगे, यहाँ पर ये प्लस वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग पावर की को प्रेस करेंगे। गाइस देखते हैं यहाँ पर पावर की को मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा सेट देखो ऑन हो रहा है आप लोगों के सामने, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, देखो देखो गाइस बैटरी कम है आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार हम लोग ये सॉल्ट क्लियर से फ़ोन को ऑन भी कर सकते हैं और सॉल्टिंग भी हटा सकते हैं बिना चेक किए हुए कंपोनेंट को। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर ये बताऊँगा ये सर्किट मैंने क्यों लगाया, यहाँ पर ये डायोड क्यों लगाया है, और यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस क्यों लगाया, आपको सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर पहले मैं इसमें चार्जिंग लगा लेता हूँ गाइस, यहाँ पर देखो ये चार्जिंग है, ये इसमें मैं लगाने जा रहा हूँ ठीक है। तो आप लोग देखते रहो कैसे मैं इसे चार्ज करता हूँ। यहाँ पर देखो तो गाइस इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये मैंने यहाँ पे लगा दी, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको यहाँ पे लाइट ये दिख रही है जल रही गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 1K का रेजिस्टेंस इसलिए मैंने लगाया, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर LED को लगा दूंगा ये जो हमारी LED जल रही है फ्यूज हो जाएगी ठीक है, और इसलिए यहाँ पर मैंने 1K का रेजिस्टेंस लगाया। और यहाँ पर ये डायोड क्यों लगाया हूँ गाइस आपको बता देना चाहता हूँ। मान लो जैसे बाई चांस आप लोग इसे चार्जिंग में लगा के रख दोगे आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो जो चार्जर से वोल्टेज आता है 5 वोल्टेज, और जो ये डायोड होता है गाइस ये वोल्टेज को कम कर देता है। यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताता हूँ ठीक है। यहाँ पर देखो ये मेरे पास मल्टीमीटर, इसे मैं DC20 पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने DC20 पे सेट कर लिया, अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ जो चार्जर से वोल्टेज आता है कितना आता है। यहाँ पर देखो हम लोग डायरेक्ट पहले इस पे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे चार्जिंग कनेक्टर पर प्लस माइनस पे लगाएंगे। यहाँ पर देखो देखो चार्जर से कितना वोल्टेज आ रहा है आप लोग यहाँ पर देखो गाइस, अच्छी तरह से इसे मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग उसमें देखना ठीक है गाइस, मल्टीमीटर में देखो चार्जर से इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लगाता हूँ गाइस। चार्जर से आप लोग देख सकते हो लगभग 5 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख लो ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो ये जो डायोड है, ये डायोड के जो सिल्वर वाली पट्टी यहाँ पे हम लोग टच करेंगे, और यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर माइनस पे टच करेंगे। यहाँ पर देखो कितना वोल्टेज कम कर रहा है ये डायोड हमारा, देखो यहाँ पर
देखो गाइस लगभग 4 वोल्टेज के आसपास आ रहा है, लगभग 4 वोल्टेज के आसपास, इसलिए हम लोग डायोड लगाते हैं। मान लो चार्जर से जैसे 5 वोल्टेज आएगा, चार्जर से 5 वोल्टेज आएगा और यहाँ पर ये डायोड कम कर देता है गाइस, और हमारी बैटरी इससे ख़राब नहीं होगी। आप लोग 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए चार्जिंग लगा के रख दोगे, आपकी बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो गाइस इस प्रकार हम लोग सॉल्ट क्लियर बना सकते हैं और इसे चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से सॉल्टिंग हटा सकते हैं। और यहाँ पर देखो इसे मैं ऐसे करके यहाँ पर इसे फेविक्विक की मदद से चिपका दूंगा, आप लोग चाहे जैसे कर सकते हैं। और गाइस जो ये 2 वायर रहेंगे ये हमारा सॉल्ट क्लियर का काम करेंगे प्लस माइनस, और यहां पर ये चार्जिंग का इतना सर्किट काम करेगा, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आप लोग अपना ख्याल रखना।